गाइस, बड़े बड़े यूट्यूबर करते क्या है, अपने बैकग्राउंड की जो लाइट होती है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बड़े बहुत महंगी महंगी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। रेड लाइट, ग्रीन लाइट और बहुत बड़ी बड़ी लाइटिंग, उनसे उनकी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है और उससे उनके व्यूअर और सब्सक्राइबर अच्छे तरीके से गेन हो जाते हैं। क्योंकि वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी रहेगी और वॉइस क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपको व्यूअर और सब्सक्राइबर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बिना किसी लाइटिंग को परचेज किए ही आपको एडिटिंग के दौरान बताऊंगा किस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड में लाइटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में बेस्ट लाइटिंग तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल हरीश यूट्यूब चैनल। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको काइनमास्टर में आना है, यहां पर 16:9 का अपना रेशियो ले लेना है। लेने के बाद यहां पर आपको अपनी वही वीडियो सिलेक्ट करनी है जिसका आप बैकग्राउंड कलरफुल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपनी सिलेक्ट कर ली है, ये मेरी ये वीडियो आ चुकी है। आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद इफेक्ट पर क्लिक करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन आपके बहुत काम की है। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर गेट मोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस कलर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। ब्लर के नीचे कलर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो इफेक्ट आ जाएंगे, इंटेंसिफायर, इस पर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। मेरा इंस्टॉल हो चुका है पहले ही। और आपको दूसरा क्या करना है, यहाँ पर टोनल शिफ्ट का मिल जाएगा इफेक्ट, इस पर क्लिक करके इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर आ जाता है दोस्तों इनका काम, इनका काम किस तरीके से करना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इनका काम क्या क्या है। आपको सबसे पहले करना क्या है, दोबारा से इफेक्ट में जाकर उन्हीं को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने डाउनलोड किए थे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, टोनल शिफ्ट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसको पूरा मिला देना है दोस्तों। जी हाँ, आपको इसको अपनी स्क्रीन पर पूरा मिला देना है और वीडियो के एंड तक इसको आपको पूरा मिला देना है। और आपको दोबारा से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है और आपको इंटेंट फीचर का आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको इस साइड में ये रखना है या फिर आपको इस साइड में कलर देना है, तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। मैं इस साइड में इसको रख देता हूँ आधी अपनी स्क्रीन पर, देख लीजिए इतना मैंने इसको रख दिया है। इसको आपको लास्ट तक मिला देना है। अब इसमें बहुत सारी टर्म और कंडीशन है दोस्तों, आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो टोनल शिफ्ट है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसको 45 कर देना है, यानी 45 आपको इतना ही रखना जितना मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको ओके कर देना है। जो नीचे वाला है इंटेंसिफायर, इस पर आपको क्लिक करना है, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जो ऊपर है कैन टू रेड, आपको इसका ओनली 1 यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ये A1 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। और जो नीचे वाला है मैजेंटा टू ग्रीन, आपको इसको -5 रख देना है। और इसका जो नीचे वाला है येलो टू ब्लू, आपको इसको 16 रख देना है। आप अपने हिसाब से रखना दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट भी अगर करना पड़े तो आप इसको कर देना। अब हमारा काम यहां पर ख़त्म हो चुका है। अब आपको एक काम और करना है, लेयर के ऑप्शन पर जाकर इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो सबसे नीचे आपका एक ब्लर का ऑप्शन होगा बेसिक इफेक्ट, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है और आपको इसको भी पूरी स्क्रीन पर मिला देना है। ये हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब ये सोचेंगे कि भाई हमारी स्क्रीन तो नज़र ही नहीं आ रही, अब हम क्या करें। तो अगला काम हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों दूसरे एप्लीकेशन में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो डाउनलोड कर लेना और VPN को भी आप डाउनलोड कर लेना। VPN के बिना ये काम नहीं करेगा। तो आपको इसको डन कर लेना है और इसको सेव कर लेना है अपनी गैलरी में। यहाँ पर क्लिक करके आपको इसको अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करके या शेयर का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पर क्लिक कर लेना है और इसको अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। और अब आपको अपना जो VPN है उस पर क्लिक करके इसको VPN कनेक्ट करवा देना है। उसके बाद ही वो एप्लीकेशन काम करेगा और आपकी बैकग्राउंड लाइट बहुत कमाल की नज़र आएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे RGB लाइट हमने इस्तेमाल कर रखी हूँ। तो यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर रेडी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इसको कनेक्ट करवा देना है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग सकता है, ये देख लीजिए हमारा कनेक्ट हो चुका है। एक फ्री वर्जन का
ऐप है ये दोस्तों, इसी वजह से हमें ऐड देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऐड को हटा देना है। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, बैक चले जाना है और बैक जाकर आपको कैपकट को ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। काइनमास्टर नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कहां से डाउनलोड करना है। तो यहां पर न्यू प्रोजेक्ट तो ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी वही वीडियो लेनी है दोस्तों, जिसका आपने इफेक्ट वगैरह लगा रखे हैं। तो मैंने ये वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर दी, ऐड पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये हमारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ये देख लीजिए ऐड हो चुकी है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा फिल्टर का, फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर VPN से कनेक्ट नहीं करोगे तो ये आपके इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएंगे। तो आप बाद में कमेंट करेंगे कि भाई हमारा नहीं हो रहा, तो आपको VPN ज़रूर डाउनलोड करना है। मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं कर रखा, मैं आपको समझाने के लिए ही VPN कनेक्ट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक आपको इफेक्ट मिल जाएगा 10 का, 10 पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका 19 ले लेना है। 19 पर क्लिक करके आपको इसको डन कर देना है। डन करने के बाद अब आपको इसको लास्ट तक मिला देना है, इसको छोड़ देना है और इसको आपको लास्ट तक मिला देना है, जहाँ तक आपकी वीडियो हो। और हमारी पूरी लाइटिंग हो चुकी है, लास्ट तक हमने मिला दिया है इसको। और अब आपको करना क्या है, यहाँ पर बैक का ऑप्शन मिलेगा, इस बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ओवरले का, जी हाँ ओवरले के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको अपनी वही वीडियो ले लेनी है जिसका आपने इफेक्ट बनाया था, वो नहीं लेनी है जिसमें हमने इफेक्ट लगाया था। वो वीडियो लेनी है दोस्तों जिसमें इफेक्ट के बगैर हमने उसमें इफेक्ट लगाया था। ये हमारी जो बिना इफेक्ट की वीडियो है ये हमारी आ चुकी है। यहाँ पर आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको पूरी तरह से स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना है, अपने हिसाब से इसको फिट कर लेना है पूरा का। ये देख लीजिए हमारा यहाँ पर फिट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग चलेगा, मैंने इसको पहले से एग्जाम्पल लिया था तो मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक हो चुका है। यहाँ पर टाइमिंग चलेगा 10%, 20%, 15%, तो आपको वो यहाँ पर कर लेना है। तो मैं आपको दोबारा से डिलीट करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपके बाद में कमेंट आएंगे। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो को अपनी को ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं इसका जैसे बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा बैकग्राउंड चल पड़ा है 0%। इस तरीके से आपका भी बैकग्राउंड चलने लग जाएगा। 100% होने के बाद ही आप इसको प्ले करना, इसको हिलाना डुलाना नहीं, पूरा 100% हो जाए तभी आपको इसको प्ले करके देख लेना। मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं अपनी वही वीडियो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने आपको बता भी दिया है दोस्तों कि आप किस तरीके से अपनी वीडियो में परसेंटेज आपको नजर आती रहेगी और आपको छेड़खानी नहीं करनी है। ये मैं अपनी वही वीडियो ले लेता हूँ, मैंने इसको ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब आपको करना क्या है, पहले इसको एडजस्ट कर लेना है फुल स्क्रीन में और यहाँ पर आपको एक नीचे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा और बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर देख लीजिए आपका कुछ इस तरीके से स्क्रीन नज़र आने वाली है। तो यहाँ पर आपके सामने एक एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, एडजस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसकी ब्राइटनेस वगैरह सेट करना चाहें तो ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसकी ब्राइटनेस सेट करना, क्योंकि हर वीडियो में हर क्वालिटी अलग अलग होती है। तो मेरे जैसी क्वालिटी है मैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना, क्योंकि यहां पर आपको अपने हिसाब से क्वालिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मैंने एडजस्ट कर लिया है, अब आपको करना क्या है, इसको डन कर देना है और यहाँ पर मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। और ये देखा दोस्तों आपने, कुछ इस तरीके से भी आपकी वीडियो नज़र आने वाली है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप इस तरीके से भी अपनी वीडियो को बना सकते हैं और कमाल की आपकी वीडियो नज़र आएगी।